भारत निर्वाचन आयोग चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजस्थान अश्वनी भगत व दूरदर्शन राजस्थान की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। और विशेष अवसर है, आज जश्न का अवसर है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित जो नेशनल क्विज कंपटीशन है, नेशनल इलेक्शन क्विज है, उसके लिए स्टेट राउंड का विजेता कौन होगा उसका हम निर्धारण करने जा रहे हैं। तो इन टीमों के स्वागत में सबसे पहले जोरदार तालियां बजाइए। नेशनल इलेक्शन क्विज 2017-18। भारत निर्वाचन आयोग ये चाहता है कि जब हम लोकतंत्र की बात करें, प्रजातंत्र की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, तो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसे मालूम होना चाहिए, वो अवेयर होना चाहिए, वो जागरूक होना चाहिए। और विशेष रूप से ऐसे बच्चे जिनकी आयु 14 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष तक हैं, यानी जो नवीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी हैं, यानी जो कि भावी मतदाता हैं, उन्हें जागरूक कैसे करें? क्योंकि अगर वो जागरूक हो गए तो स्वयं तो पंजीकरण करवाएंगे ही मतदाता के रूप में स्वयं का, साथ ही परिजनों को, आसपास के लोगों को, और ऐसे लोग जो कि अशिक्षित हैं उन्हें भी अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे और बताएंगे कि प्रजातंत्र में मत का कितना महत्व होता है, कितनी ताकत होती है, सरकारें बदल दी जाती है। और एक विशेष बात, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि यहां पर जो 7 टीमें पधारी हैं वो यहां तक, यानी स्टेट राउंड तक कैसे आई हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले यह तय किया गया कि जो पहला राउंड है वो स्कूल में हो। स्कूल में जो प्रिंसिपल साहिबान थे उनको निर्देश भेजे गए कि आप अपने स्तर पर जो सामान्य ज्ञान की बातें हैं चुनाव के बारे में, उन पर आधारित प्रश्न पत्र बनाइए और 2 स्टूडेंट्स की टीम का चयन कीजिए आपकी स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए। उन्हें यह भी ऑप्शन दिया गया कि यदि आप चाहें तो आप किन्हीं 2 विद्यार्थियों को, जिन्हें आप उपयुक्त समझते हो, उन्हें आप नामजद भी कर सकते हैं टीम के सदस्य के रूप में। उसके पश्चात जिला स्तर पर कंपटीशन हुआ, रिटन एग्जामिनेशन, राजस्थान में 33 जिले, और उन 33 जिलों से हर जिले से 1 टीम विजेता होकर के आई, 2-2 विद्यार्थियों की 1-1 टीम। राजस्थान ने एक बात और की कि वैसे तो उसके पश्चात स्टेट राउंड ही होना था जो आज फाइनल होने जा रहा है, उन्होंने ये उपयुक्त समझा कि राजस्थान विशाल भूभाग प्रदेश, इसके लिए जो हमारे संभाग स्तर हैं, यानी 7 संभाग हैं, वहां स्टेट राउंड का पार्ट 1 पहले उस स्तर पर कराएं। तो 33 में से जो जो जिले जिस जिस संभाग में आते हैं वहां की जिलों की विजेता टीमों ने पार्टिसिपेट किया प्रतियोगिता में और सेलेक्ट हुई, चयनित हुई संभाग का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम। और इस प्रकार से राजस्थान के जो 7 संभाग हैं वो 7 टीमें विजेता बनकर आज दूरदर्शन जयपुर के स्टूडियो में विद्यमान हैं। उनके स्वागत में आपसे अनुरोध, जोरदार तालियां बजाइए। जब चुनाव विभाग के साथ ये बात हुई, अश्वनी भगत साहब से जब चर्चा हुई, रेखा गुप्ता जी से जब चर्चा हुई, अन्य अधिकारियों से जब चर्चा हुई, तो यह उपयुक्त समझा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर इस स्टेट राउंड की विजेता टीम जाएगी, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। तो जब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, दूरदर्शन के माध्यम से इस क्विज का आयोजन किया जा रहा है, तो प्रयास ये होना चाहिए कि जितने भी संभाग हैं उनकी अलग अलग विशिष्ट संस्कृति है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला नाम दिया जाना चाहिए प्रत्येक संभाग को।
तो राजस्थान के सांस संभागों की जो टीमें विजेता के रूप में यहां पर पधारी हैं, उनको हमने विशिष्ट नाम दिया है। उनके संभाग की जो विशिष्ट संस्कृति है उसके आधार पर बीकानेर संभाग बीकाना, भरतपुर संभाग ब्रिज, जयपुर संभाग ढूंढाड़, कोटा संभाग हाड़ोती, जोधपुर संभाग मारवाड़, अजमेर संभाग मेरवाड़ा और उदयपुर संभाग मेवाड़। जोरदार तालियां बजाइए आप सभी के लिए। देखिए, अब मैं बात बताना चाहूंगा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये क्विज कंपटीशन जो स्टेट राउंड है ये किस प्रकार से संपन्न होने जा रहा है। इसमें हमने 3 राउंड्स रखे हैं आप जो प्रतियोगी टीमें हैं उनके लिए। पहला जनरल राउंड, जिसमें प्रत्येक टीम से 3-3 सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा बजर राउंड, उसमें 21 सवाल रखे गए हैं, जो भी टीम पहले बजर दबाएगी उनसे सवाल पूछा जाएगा। तीसरा राउंड है रैपिड फायर राउंड, 1-1 मिनट का समय प्रत्येक टीम के लिए और आप उत्तर देंगे और अंक प्राप्त करेंगे। इनके विस्तारित नियम मैं चर्चा करूंगा जब विशिष्ट जो अलग अलग 3 मैंने आपको राउंड्स बताए उस राउंड का आरंभ होगा। तो मैं आरंभ करने जा रहा हूं आज का पहला राउंड, जनरल राउंड। इसके नियम आप सभी सुन लें, प्रत्येक सही उत्तर आने पर 10 अंक दिए जाएंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है गलत उत्तर आने पर। प्रत्येक टीम से कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन रोचकता बनाए रखने के लिए हमने ये उपयुक्त समझा है कि हम पहले एक सवाल एक टीम से, फिर दूसरा दूसरी से, यानी पहला राउंड हो गया, फिर दूसरा राउंड में दूसरे सवाल को पूछा सभी टीमों के लिए, और फिर तीसरी बार पूछा एक एक सवाल सभी टीमों के लिए। इस प्रकार 21 सवाल और प्रत्येक टीम के लिए 3 सवाल। विशिष्ट बात आपको और बता दूं कि सवाल पूछने के पश्चात आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप आपस में बातचीत भी कर सकते हैं क्या उत्तर होता है, लेकिन ध्यान रखना है अगर 10 सेकंड समाप्त हो गए और आपने उत्तर नहीं दिया तो बजर बज जाएगा और आपका चांस जो है वो चला जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो क्या आप बिल्कुल तैयार हैं? yes, हम sir, आरंभ करें। yes, तालियां बजाइए जोरदार तरीके से आप। बीकाना टीम, आपका सवाल, सुलेखा का एपिक कार्ड खो गया है, वह डुप्लीकेट कार्ड बनवाना चाहती है, उसे कौन सा एपिक फॉर्म तथा कितनी राशि जमा करानी होगी? फॉर्म नंबर 001 और 25 रुपए फीस के रूप में जमा। बिल्कुल सही उत्तर, क्या बात है, क्या बात है। ब्रिज टीम, आपका सवाल, वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन किस प्रपत्र में किया जाता है? समय समाप्त, अब बारी है ढूंढाड़ टीम की। राम ने मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 भरा, श्याम ने इस पर आपत्ति दर्ज की, बताएं इस पर निर्णय कौन अधिकारी करेगा? भूतले वाला अधिकारी। गलत। हाड़ोती, आपके लिए सवाल, मतदान केंद्र की कितने मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल का कार्यालय नहीं होना चाहिए? पांच सौ मीटर। गलत।
मारवाड़ टीम, आपके लिए सवाल। लोकसभा चुनाव में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि कितनी है? 25,000। गलत। आपके लिए सवाल मेरवाड़ा टीम, नोट यानी रुपए के बदले वोट, नोट के बदले वोट देना आईपीसी की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? धारा 171B। बिल्कुल सही उत्तर। मेवाड़ टीम, आपके लिए सवाल। मतदान के लिए अभ्यर्थी या राजनीतिक दल के वाहन से यात्रा करना आरपी एक्ट 1951 की किस धारा द्वारा प्रतिबंधित है? 123। उत्तर सही है, 123। उसके और धारा 5। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए। तो जनरल राउंड के पहले 7 सवाल हो गए, अब दूसरी बार फिर सवाल पूछ रहे हैं, दूसरा मौका। बीकाना टीम, आपके लिए सवाल। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए विधानसभा चुनाव में जमानत राशि क्या है? 10,000 रुपए। बिल्कुल सही। दृष्टि, ईवीएम के M3 संस्करण में उपलब्ध टेम्पर डिटेक्शन फीचर का क्या लाभ है? सही उत्तर है, मशीन खोलने की कोशिश करने पर ईवीएम काम करना बंद कर देती है। ढूंढाड़, आपके लिए सवाल। ईवीएम के M3 संस्करण में उपलब्ध कराए गए सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर का क्या लाभ है? टाइम की बचत। गलत। सही उत्तर है, इससे ईवीएम के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में किए गए परिवर्तन का पता चल जाएगा। हाड़ौती टीम, आपके लिए सवाल। ईवीएम की FLC फर्स्ट लेवल चेकिंग किसके द्वारा की जाती है? बूथ लेवल ऑफिसर। गलत। ईवीएम निर्मित करने वाली कंपनी के इंजीनियरों द्वारा। मारवाड़ टीम, आपके लिए सवाल। ईवीएम की FLC फर्स्ट लेवल चेकिंग किनकी उपस्थिति में की जाती है? दल के कुछ प्रभारियों द्वारा। गलत। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में। मेरवाड़ा टीम, आपके लिए सवाल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में एक अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम कितनी राशि खर्च की जा सकती है? 28 लाख। बिल्कुल सही। मेवाड़ टीम, आपके लिए सवाल। पंजीकृत किंतु अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के विधानसभा अथवा लोकसभा चुनाव के अभ्यर्थी को नॉमिनेशन फाइल करने हेतु न्यूनतम कितने प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है? 10। बिल्कुल सही। और पहला राउंड यानी जनरल राउंड का तीसरा सब राउंड, जिसमें एक एक सवाल सभी टीमों से पूछा जा रहा है। बीकाना टीम, आपके लिए सवाल। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन कराता है? राज्य सरकार। गलत। राज्य निर्वाचन आयोग। तालियां बजा सकते हैं जानकारी के लिए भी कभी कभी। ब्रिज टीम, आपके लिए सवाल। चुनाव में जमानत कब जब्त होती है? कुल मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होने पर। बिल्कुल सही उत्तर, तालियां जोरों से बजाइए। ढूंढाड़ टीम, आपका सवाल। भारत में राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कितने हैं? 6। गलत। 7। हाड़ौती टीम, आपके लिए सवाल। जनरल इलेक्शंस में एक व्यक्ति कितनी जगह से चुनाव लड़ सकता है? 1 जगह से। गलत। अधिकतम 2 जगह से। मारवाड़ टीम, लोकसभा चुनाव में एक अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम कितनी राशि खर्च की जा सकती है? 70 लाख रुपए। बिल्कुल सही उत्तर।
मेरवाड़ा टी मदर रोल यानी मूल वोटर लिस्ट के वार्षिक पुनरीक्षण के पश्चात उसमें क्या शामिल करने पर इंटीग्रेटेड वोटर लिस्ट बनती है? बताऊं के नाम? गलत, सप्लीमेंट्री लिस्ट। मेवाड़ टी आपके लिए सवाल, फॉर्म 8A किस काम आता है? प्रवासी भारतीयों के नामों का। गलत, समान विधानसभा क्षेत्र में निवास स्थान बदलने पर पूर्व एंट्री बदलवाने के लिए। तालियां बजा सकते हैं। तो इस प्रकार पहला राउंड यानी जनरल राउंड समाप्त हुआ। जोरदार तालियां बजा लिया। पहले राउंड की समाप्ति के पश्चात यानी जनरल राउंड की समाप्ति के पश्चात सातों टीमों की स्थिति इस प्रकार है। बीकाना टीम 20 अंक, ब्रश टीम 10 अंक, ढूंढाड़ 0, हाड़ोती 0, मारवाड़ 10 अंक, मेरवाड़ा 20 अंक और मेवाड़ 20 अंक। सभी के लिए जोरदार ताली बजाइए। तो अब हम आरंभ करने जा रहे हैं दूसरा राउंड यानी बजर राउंड। यह बड़ा सेंसिटिव राउंड है और सेंसिटिव इसलिए कि आपको स्मार्टली प्ले करना है, सुनते ही बजर दबाना है। बटन आपकी टेबल पर है, लाइट भी जलेगी, ध्वनि भी होगी, पता चल जाएगा कौन सबसे पहले उत्तर देना चाहता है। लेकिन इसमें रिस्क भी है। अधिकतम सही उत्तर होने पर आपको मिलेंगे 10 अंक, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। आपने बजर दबा दिया, सब आपकी ओर देख रहे हैं, लेकिन आप उत्तर न दे पाए अथवा गलत उत्तर दिया तो निगेटिव मार्किंग 5 अंक माइनस हो जाएंगे। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कुल 21 सवाल इस राउंड में। तालियां बजाए इन सभी के लिए। आरंभ करने जा रहे हैं दूसरा राउंड यानी बजर राउंड। पहला सवाल, राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी राज्य के विधायकों के मतों का मूल्य किस फॉर्मूले से निकाला जाता है? जी मेवाड़। राज्य अनुपातिक जनसंख्या के अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण में मत के द्वारा। गलत। सही उत्तर है 1971 की सेंसस के आधार पर राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाय निर्वाचित विधायकों की संख्या फर्दर डिवाइडेड बाय 1000। इस प्रकार एक विधायक के मत का मूल्य निकलेगा। तालियां बजाइए इस जानकारी के लिए। अगला सवाल, भारत निर्वाचन आयोग में ईवीएम्स किन दो कंपनियों से बनकर आती हैं? हाड़ोती बैलेट और एक कंट्रोल यूनिट। जी बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। क्या बोल रहे हैं आप, जोर से बोलें। बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। नो, गलत। किन कंपनियों से ये पूछा गया था? एक है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दूसरी निर्माता कंपनी है ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तीसरा सवाल, M3 EVM में कौन से दो नए फीचर डाले गए हैं? सही उत्तर है टेंपर डिटेक्शन और दूसरा सेल्फ डायग्नोस्टिक्स। यूएसए और यूरोप में ईवीएम से चुनाव करवाने क्यों बंद कर दिए गए? ब्रज क्योंकि सर वहां पे ईवीएम थी वो कंप्यूटर से कनेक्ट थी। हाँ, नेटवर्क से कनेक्ट थी, बिल्कुल सही उत्तर। तालियां जोरों से बजाइए। जिनको हैक किया जा सकता था इस कारण से उन्होंने बंद कर दिया। पांचवा सवाल, किन मतदाताओं को CSV क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स कहते हैं? ब्रज
जो भारत सरकार द्वारा सेवा मतदाता होते हैं, जो सशस्त्र बलों में होते हैं और भारत सरकार द्वारा विदेशों में नियुक्त किए जाते हो उनके लिए। मोटे रूप से उत्तर आ गया, आपको सही मानते हैं। सशस्त्र बलों आर्म्ड फोर्सेस एवं पैरा मिलिट्री फोर्सेस के ऐसे मतदाता जिनके द्वारा मतदान हेतु प्रॉक्सी वोटर की नियुक्ति की गई है। जस्ट टू मोटिवेट बिकॉज यू हैव टच दैट, देयरफॉर हमने आपको पूरा सही करार कर दिया है और इसी सिद्धांत को हम फॉलो करेंगे आप सभी के लिए आगामी सवालों में। इसके लिए भी तालियां बजा सकते। छठा सवाल, बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर के नाम व मोबाइल नंबर की जानकारी किन तीन स्रोतों से मिल सकती है? तीन जगहों से मिल सकती है, सीईओ राजस्थान की वेबसाइट पर, ईआरओ या एईआरओ कार्यालय से और मतदान केंद्र से। सातवां सवाल, किन श्रेणियों के मतदाताओं को एपिक जारी नहीं होता है? मारवाड़ जी, अप्रवासी भारतीय और सशस्त्र बलों और जो भारत के बाहर जो काम करते हैं उनको और एनआरआई और भारत के बाहर सशस्त्र बल काम करते हैं, ऐसे 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 सशस्त्र बल जो दूसरे राज्य में काम करते हैं। थैरी साहब, व्हाट शुड बी डन? हमने एक लिबरल व्यू लिया, इसको मान लें। दोनों चीज शामिल होगी, अनिवासी भारतीय और सेवा और जो सेवा नियोजित मतदाता। तो मारवाड़ टीम आपने ये बताया अनिवासी भारतीय, उसके अतिरिक्त सर्विस वोटर्स यानी सेवा नियोजित मतदाता, उन दोनों को भी एपिक जारी नहीं होता है। आठवां सवाल, नॉमिनेशन की अंतिम दिनांक तक प्राप्त नॉमिनेशंस में से वैध पाए गए नॉमिनेशंस की सूची किस नंबर के फॉर्म में तैयार की जाती है? मारवाड़ फॉर्म नंबर 16। गलत, फॉर्म नंबर 4 में। नवा सवाल, भयग्रस्त परिवारों ऑब्लिक मतदाताओं को सुरक्षा मुहैया कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्नरेबिलिटी मैपिंग। दसवां सवाल, लोकसभा चुनाव हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए जमानत राशि क्या है? ब्रज 25,000 रुपए। बिल्कुल सही उत्तर। ग्यारहवां सवाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? ये तो रिप्ले में देखना पड़ेगा। सीईओ राजस्थान अश्वनी भगत साहब का सही जजमेंट पहले बजर दबाया था मारवाड़ टीम ने। दीजिए उत्तर आप। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। बिल्कुल सही। बारहवां सवाल, मतदान केंद्र पर चुनाव किसके पर्यवेक्षण सुपरविजन में करवाए जाते हैं? हाड़ोती पीठासन अधिकारी आरओ। बिल्कुल सही उत्तर। तेरहवां सवाल, चुनाव में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अपना नॉमिनेशन किसे प्रस्तुत किया जाता है? मारवाड़ रिटर्निंग ऑफिसर। सही उत्तर। चौदहवां सवाल, किसी नॉमिनेशन फॉर्म में कोई कॉलम भरने से रह जाने पर वो फॉर्म रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा? हाड़ोती रिजेक्ट होगा। बिल्कुल सही। यानी मतलब यह है कि कोई भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप निल लिखें या एनए यानी नॉट एप्लीकेबल। इस जानकारी के लिए बधाई देता हूं। पंद्रहवां सवाल, विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों में रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है? मेवाड़ मुख्य निर्वाचन है। गलत, भारत निर्वाचन आयोग। 16वां सवाल,
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा व लोकसभा चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है अथवा नहीं, इसे देखने के लिए भेजे जाने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़। पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग इम्पीचमेंट चलाने के लिए प्रस्ताव मोशन हेतु सांसदों की संख्या का कितना अनुपात आवश्यक है? ढूंढाड़ आवश्यक है। ढूंढाड़ दो तिहाई बहुमत। दो तिहाई बहुमत जी गलत। सांसदों की संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 18वां सवाल, चुनावों में पीठासीन अधिकारी प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति कौन करता है? मारवाड़। जिला निर्वाचन अधिकारी। बिल्कुल सही उत्तर, यानी कलेक्टर साहिबान। 19वां सवाल, किसी भी राज्य में ईसीआई भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में सबसे सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता है? मेरवाड़ा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी। 20वां सवाल, नॉमिनेशन के समय किस फॉर्म में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है? फॉर्म 26 में। और बजर राउंड का अंतिम सवाल, 21वां सवाल, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में कैंडिडेट के साथ अधिकतम कितने व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं? मारवाड़। 4। बिल्कुल सही उत्तर, 4 व्यक्ति। और इस प्रकार आपका दूसरा राउंड यानी बजर राउंड कुशलता पूर्वक संपन्न हुआ। तालियां बजाइए 7 टीमों के सम्मान में। आप देखिए, स्कोर जानने की जिज्ञासा सब में होती है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति है इन 7 टीमों की। तो पहले मैं बताना चाहूंगा बजर राउंड में किस टीम ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। बिकाना 0, ब्रिज 30 अंक, ढूंढाड़ -5, हाड़ोती 15 अंक, मारवाड़ 55 अंक, मेरवाड़ा 10 अंक और मेवाड़ -10 अंक। और इस प्रकार 2 राउंड्स की समाप्ति के पश्चात बीकाना 20 अंक, ब्रज 40 अंक, ढूंढाड़ -5 अंक, हाड़ोती 15 अंक, मारवाड़ 65 अंक, मेरवाड़ा 30 अंक और मेवाड़ 10 अंक। सबके लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब आरंभ करने जा रहे हैं तीसरा राउंड यानी रैपिड फायर राउंड। एक मिनट का समय प्रत्येक टीम को दिया जाएगा। मैं बोलूंगा आपका समय आरंभ होता है अब। आपको उत्तर देना है, सही उत्तर पर मिलेंगे 5 अंक और निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपको डरना नहीं है। और आपको अगर उत्तर नहीं आता है तो आपको पास कहना है ताकि मैं अगला सवाल आपको बता सकूं। बिल्कुल स्पष्ट? यस। आरंभ करें, तालियां जोरों से बजाइए बीकाना टीम के लिए। रैपिड फायर राउंड, बीकाना टीम, आपका समय आरंभ होता है अब। क्या ईवीएम मशीन हैक की जा सकती है? हाँ। गलत। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सांसद निर्वाचित हैं? 5।
238 मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम वार्षिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? पास। 1960 में। ईवीएम को कितनी बार रेंडमाइज किया जाता है? पास। दो बार। राजनीतिक दल के रूप में पंजीयन कराने के लिए कितना शुल्क देना होता है? पास। 10,000 रुपए। अखिलेश को 3 वर्ष की सजा हो चुकी है, क्या वह चुनाव लड़ सकता है? नहीं। सही। एक बैलेट यूनिट से नोटा सहित अधिकतम कितने अभ्यर्थियों का चुनाव कराया जा सकता है? पास। 16। क्या राष्ट्रपति चुनाव में दल बदल निरोधक कानून लागू होता है? हाँ। गलत। नहीं। ब्रश टीम, आपका समय आरंभ होता है अब। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन प्रपत्र भरते समय कितने प्रस्तावकों के हस्ताक्षर होने चाहिए? एक। गलत। कम से कम 50। M1 EVM मशीनें कौन सी होती है? पास। वर्ष 2006 अथवा पूर्व की बनी मशीनें। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? दो। सही। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक बूथ पर BLO की नियुक्ति कब से की? पास। वर्ष 2006 से। NVSP का फुल फॉर्म क्या है? पास। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। लोकसभा की कितनी सीटें OBC के लिए आरक्षित हैं? पास। शून्य सीट। विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं कौन निर्धारित करता है? भारत निर्वाचन आयोग। गलत। परिसीमन आयोग। क्या कोई व्यक्ति जो जेल काट रहा है डाक मत पत्र से अपना मत दे सकता है? नहीं। सही। यदि एक लोकसभा चुनाव में 32 अभ्यर्थी हैं तो कितनी बैलेट यूनिट प्रयुक्त होंगी? दो। गलत। 3। ढूंढाड़ टीम, आपका समय आरंभ होता है अब। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन प्रपत्र भरते समय कौन कौन व्यक्ति प्रस्तावक / समर्थक हो सकते हैं? पास। निर्वाचित सांसद एवं निर्वाचित विधायक। VVPAT के साथ चुनाव कराने के लिए कौन सी EVM चाहिए? पास। 2006 के बाद की निर्मित मशीनें। राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान के विधायकों के प्रत्येक मत का मूल्य क्या है? 129। बिल्कुल सही, 129। टोल फ्री नंबर 1950 की सुविधा मतदाताओं को कब से प्रदान की गई? पास। वर्ष 2011 में। ETPBS की फुल फॉर्म क्या है? पास। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। भारत की पहली मतदाता सूची में कितने मतदाता पंजीकृत थे? पास। 17.3 करोड़। लोकसभा की कितनी सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित हैं? पास। 47। अशोक का नाम गंगाधर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है, क्या वह उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है? हाँ। बिल्कुल सही। तालियां जोरों से बजाइए। हाड़ौती टीम, आपका समय आरंभ होता है अब। राष्ट्रपति चुनाव में एक अभ्यर्थी अधिकतम कितने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? पास। गलत। 4। FLC फर्स्ट लेवल चेकिंग में 5% EVM में प्रत्येक में कम से कम कितने मत मॉक पोल के लिए डालने होंगे? पास। कम से कम 1,000 मत। राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के मत का मूल्य क्या है? पास। 708। वर्तमान में विधानसभा एवं लोकसभा का परिसीमन किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर हुआ है? 1976। गलत। वर्ष 2001 की। CSV की फुल फॉर्म क्या है? पास। क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। सही। एक वाहन से नगद राशि जब्त की जाती है, कितनी राशि होने पर आयकर विभाग को सुपुर्द कर दी जाएगी? 1,00,000। गलत। 10,00,000 रुपए या अधिक होने पर।
मारवाड़ टीम, आपका समय आरंभ होता है अब। राष्ट्रपति चुनाव में मतों का मूल्य किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर निकाला जाता है? 1971। बिल्कुल सही। वीवीपैट में मत रिकॉर्ड होने के बाद कितने सेकंड्स तक मतदाता पर्ची दिखाई देगी? 4। गलत, 7 सेकंड्स तक। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 12। सही। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार कब मनाया गया? 2011। जी 2011। सही, 25 जनवरी। वर्ष 2017 के लिए भारत निर्वाचन आयोग का नारा था? पास। एम्पावरिंग यंग एंड फ्यूचर वोटर्स। लोकसभा का सदस्य कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष। सही। राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग। सही। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। सही। राष्ट्रपति चुनाव में किस रंग का मतपत्र सांसदों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? गुलाबी। गलत, हरा। प्रॉक्सी वोटर नियुक्ति करने हेतु कौन सा फॉर्म भरना होता है? फॉर्म नंबर 4। गलत, फॉर्म 13F। मेरवाड़ा टीम, आपका समय आरंभ होता है अब। राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी अभ्यर्थी द्वारा कितनी राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी? पास। 15,000 रुपए। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या नोटा लागू होता है? हाँ। गलत, नहीं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? 552। गलत, 550। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए NVSP कब प्रारंभ किया गया? 2016। गलत, 25 जनवरी 2015 से। उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35। सही, 35 वर्ष। अनिवासी NRI के रूप में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए निवास प्रमाण पत्र हेतु मान्य एकमात्र दस्तावेज क्या है? फॉर्म नंबर 8K। गलत, पासपोर्ट। सेवा नियोजित मतदाता सर्विस वोटर के रूप में सर्विस पर्सनल के परिवार का कौन सा व्यक्ति सर्विस वोटर के रूप में दर्ज हो सकता है? पास। उसकी पत्नी। राज्यसभा के सदस्य की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष। सही। फॉर्म 6, 7 व 8 में मिथ्या कथन करने पर RPH 1950 की किस धारा के तहत अपराध बनता है? धारा 23 के। गलती, धारा 31 के अंतर्गत। मेवाड़ टीम, आपका समय आरंभ होता है अब। राष्ट्रपति के चुनाव को कहां पर चुनौती दी जा सकती है? पास। सर्वोच्च न्यायालय में। राम सिंह का नाम क्लासिफाइड सर्विस वोटर के रूप में दर्ज है, क्या आरओ उसे ETPBS जारी कर सकता है? हाँ। गलत, नहीं। लोकसभा की कितनी सीट शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं? शेड्यूल कास्ट मतलब सर? पास। 84 सीट्स। सुषमा का नाम दिल्ली की मतदाता सूची में दर्ज है, क्या वह जयपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती है? हाँ। सही। राजनीतिक दलों का पंजीयन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? पास। RPH 1951 सेक्शन 29A। राष्ट्रपति पद के चुनाव में विधायकों द्वारा किस रंग के मतपत्रों का प्रयोग किया जाता है? गुलाबी। सही, गुलाबी रंग। सुनंदा द्वारा मतदान केंद्र पर पहुंचने पर यह मालूम होने पर कि उसके नाम का वोट तो पड़ चुका है, तो उसे किस नाम का वोट डालने की अनुमति होगी? निवेदिता। सही, टेंडर वोट। देखिए, जैसा कि हमारे दर्शक देख रहे हैं, इन 7 टीमों के अलावा काफी बड़ी संख्या में युवा पधारे हैं और उनका अनुरोध और आग्रह था, और जब वह अश्वनी भगत साहब से मिलने पहुंचे तो उन्होंने आग्रह किया कि हमें भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। आपने सदाशयता का परिचय देते हुए कहा आप जरूर पधारिए। तो मैं आरंभ कर रहा हूं ऑडियंस राउंड। आपको यह बताना है कि राजस्थान विधानसभा के वर्ष 2013 में संपन्न चुनावों में किस गांव की महिलाओं ने, जिले का नाम भी बता देंगे तो पुरस्कार दे दूंगा, आजादी के बाद पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग किया। ठहरिए, ऐसे नहीं। हाँ ठहरिए साहब, ऐसे नहीं।
जी बोलिए आप, खड़ी होइए जी। दादल गांव। दादल गांव कहाँ है, आप तो गांव तक पहुंच गई। जालोर। वाह क्या बात है, शुभ नाम। जोरदार तरीके से, क्या बात है। महिलाओं ने पहली बार आजादी के बाद, और रिंकी तालियां जोरों से बजनी चाहिए। और मैं सीओ साहब से अनुरोध करूंगा, साहब सर थोड़ा तकलीफ फरमाएं और इस बच्ची को पुरस्कृत करें आप। जी तालियां जोरों से बजाइए। अगला सवाल देखिए, कई बार बड़ी रोचक और विलक्षण घटनाएं घटती हैं। मतदाता मत देते हैं, मतगणना होती है, हाइप इतनी जबरदस्त, समर्थक इंतजार करते हैं और कामना करते हैं कि हमारा प्रत्याशी जीते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पहले और दूसरे दो जो मतदाता हैं उनके मत समान होते हैं, एक ही संख्या। तो प्रश्न पैदा होता है किसे विजेता घोषित करें, और करें तो कैसे। आपको यह बताना है कि ऐसी स्थिति में किसे और कैसे विजेता घोषित किया जाता है। वाह वाह, सबसे पहले इस बच्ची ने तलवार की तरह बताएं, आप उत्तर दें। द ड्रॉ ऑफ द लॉट। ड्रॉ ऑफ द लॉट यानी लॉटरी द्वारा। क्या बात कर रहे हैं, इतने मतदाता हजारों लाखों इंतजार करते हैं और आप लॉटरी निकाल देते हैं। पक्का पक्का? अरे हाँ वो तो मैंने सुन लिया, पक्का ऐसा ही होगा। आगे आइए, शुभ नाम बताओ। पायल मंडल। अरे पायल जी, आपकी पायल की खनक तो दुनिया भर में गूंज रही है, तालियां जोरों से बजाइए। आपका अश्विनी भगत साहब, SCO राजस्थान, आपके प्रयास क्या रंग ला रहे हैं, तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से। क्या बात है, क्या बात है, तालियां जोरों से बजनी चाहिए। देखिए 7 संभागों की टीमें आज यहां पर पधारी है। हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि अंत तो गतवा ऊंट किस करवट बैठा, यानी तीनों राउंड्स की समाप्ति के पश्चात स्थितियां क्या बनी, और उससे पहले रैपिड फायर राउंड में किस टीम का परफॉर्मेंस क्या रहा। तो पहले तो हम आपको रूबरू करवाते हैं इस बात से, तालियां जोरों से बजाइए आप। रैपिड फायर राउंड में इन 7 टीमों का स्कोर इस प्रकार रहा है। बीकाना 5 अंक, ब्रिज 10 अंक, ढूंढाड़ 10 अंक, हाड़ोती 5 अंक, मारवाड़ 30 अंक, मेरवाड़ा 10 अंक और मेवाड़ 15 अंक। और अब तीनों राउंड्स की समाप्ति के पश्चात इन 7 टीमों की स्थिति क्या है, सुने दिल थाम के। बीकाना 25 अंक, ब्रिज टीम 50 अंक, ढूंढाड़ 5 अंक, हाड़ोती 20 अंक, मारवाड़ 95 अंक, मेरवाड़ा 40 अंक और मेवाड़ 25 अंक। और अब मैं आमंत्रित करता हूं अश्विनी भगत साहब को, जो राजस्थान के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, कि आप पधारें और 7 टीमों को मिमेंटो यानी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजाइए अश्विनी भगत साहब के सम्मान में, आप जोरदार तालियां बजाइए।
अब मैं मिमेंटो यानी स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं बीकाना टीम को। तालियां बजाइए उनके सम्मान में जोरदार तरीके से। आप अब मैं अनुरोध करूंगा अश्वनी भगत साहब, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजस्थान यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान से, कि वे इस अवसर पर दो शब्द कहें। और आपसे एक अनुरोध और करूंगा कि हमारे दर्शक इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं कि अभी तक महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की गई है, यानी स्टेट राउंड की विजेता टीम कौन से संभाग की है वो भी आपको डिस्क्लोज करना है। तालियां बजाइए जोरों से अश्वनी भगत साहब के लिए। आज की इस नेशनल इलेक्शन क्विज में वैसे तो सातों के सातों टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, मैं सबके लिए तालियां बजवाना चाहूंगा। सभी टीमों ने जिस तत्परता के साथ में और जिस विलक्षण बुद्धि को दर्शाते हुए सवालों का जवाब दिया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और मैं एक तरह से चाहूंगा कि सभी टीम विजेता ही है, मेरे लिए तो सब टीम विजेता है, लेकिन चूंकि यह एक कंपटीशन है, यह एक क्विज है जिसमें कि एक विजेता का नाम बताना आवश्यक होता है ताकि वो आगे की दौड़ में शामिल हो सके, इसीलिए यह बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि मारवाड़ टीम विथ 95% 95 मार्क्स इज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द स्टेट राउंड। And this Marwar team will be representing the state of Rajasthan in the national level quiz to be held in Election Commission. आज इस अवसर पर मुझे यह आप लोगों को भी जानकारी देने में बड़ा हर्ष होता है कि युवाओं ने जिस प्रकार से एक इंटरेस्ट लेकर के निर्वाचन विभाग के सभी कार्यक्रमों को सफल बनाया है, चाहे वो पिछले साल हमने इंटरैक्टिव स्कूल एंगेजमेंट किया था, कई सारे आप लोग को स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर आपके स्कूल में गए थे और आपके आपसे कुछ सवाल जवाब किए थे कि आप कैसे जनप्रतिनिधि देखना चाहते हो, इलेक्शन प्रक्रिया में क्या क्या आप चेंज महसूस करते हो होना चाहिए। इस प्रकार की जो स्कूल एंगेजमेंट प्रोग्राम एक चला था वो बहुत सक्सेसफुल रहा था पिछले साल। इस साल नेशनल क्विज ये बहुत ही बड़ा एक सक्सेस हो रहा है और अब जाकर के आप लोग जब दिल्ली में जाएंगे, और मैं मेरी पूरी शुभकामना है कि जो है मारवाड़ टीम वहां जाकर के भी अपना राजस्थान का परचम लहराएगी, तो मैं अपनी तरफ से और राजस्थान निर्वाचन विभाग के जितने भी अधिकारी हमारे बैठे हैं, एडिशनल सीईओ, डिप्टी सीईओ, डिप्टी सीईओ आईटी, ओएसडी, फिनेंशियल ऑफिसर, ये सारे अधिकारी हमारे बैठे हुए हैं, इन सब की तरफ से आप सभी को शुभकामना देना चाहूँगा। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे और हमारा मैसेज समाज में और पूरे स्टेट में फैलाएंगे कि प्रथम तो सबसे पहले हर 18 वर्ष से ऊपर व्यक्ति को इलेक्टोरल रोल्स में वोटर के नाम में दर्ज होना है। सबसे पहले अपना नाम दर्ज कराना वो एक आपकी मौलिक अधिकार है जिसको कि आप लोग अपना उपयोग करेंगे। नंबर वन।
और नंबर टू इसी साल अक्टूबर या नवंबर महीने में जनरल इलेक्शंस होंगे आपके एमएलएस के इलेक्शंस, उसमें न केवल आप अपने बल्कि आपके आसपास के परिवार के जितने भी सदस्य हैं जो कि इलेक्टर्स हैं जो वोटर्स हैं उनको ले जा करके वोटिंग डलवाएंगे। ये मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ, क्या ये आप लोग करेंगे? हाँ या ना? वेरी मच थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। मैं पूरे तहे दिल से आपको भी धन्यवाद देता हूँ और आपकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी भगत साहब, बहुत बहुत बधाई। और उसी के साथ साथ भारत निर्वाचन आयोग नेशनल इलेक्शन क्विज के माध्यम से इंटर स्कूल कंटेस्ट 2017 और 2018 ये जो करवाया गया है, इस यज्ञ में आप भी अपनी आहुति दें, इस प्रयास के रूप में कि आप अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक बनाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सभी का समन्वित प्रयास सफल होगा। मैं डीडी राजस्थान, दूरदर्शन जयपुर की ओर से भारत निर्वाचन आयोग और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अश्विनी भगत साहब की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं, इस अपेक्षा और कामना के साथ कि हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। जोरदार तालियां बजाइए। मारवाड़।